अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम रिपोर्टिंग सर्विसेज 2012 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिपोर्ट सर्वर को कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया हुआ कि कैसे हमने इंस्टॉल करना है एसक्यूएल सर्वर, उसमें जितने तरह के कंपोनेंट्स हैं, जितने तरह की सर्विसेज हैं, राइट एनालिसिस सर्विसेज है, रिपोर्टिंग सर्विसेज है, कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आज हम इसको कंफिगर करते हैं रिपोर्ट सर्वर को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग सर्विस और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ठीक है, इसके आप जाएँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सर्वर नेम है ये मेरे कंप्यूटर का नेम है, ये आ रहा है, और रिपोर्टिंग सर्विस रिपोर्ट सर्वर इंस्टेंस ये सर्वर कंटिन्यू करें। उसके बाद ये सारी रिपोर्ट सर्वर स्टेटस आ गया कि इंस्टेंस आई डी कौन सी है, एडिशन कौन सा, आप ऐसा करें कि सर्विस अकाउंट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने क्योंकि हमें यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है कि रिपोर्ट सर्विस अकाउंट आपने कौन सा यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सेटिंग जैसी डिफॉल्ट है उसको रहने में आप वैसे रिपोर्ट सर्वर सेलेक्ट हुआ होगा, ठीक है, सही है। उसके बाद वेब सर्विस यू आई एल पे क्लिक करता हूँ, तो जो वर्चुअल डायरेक्टरी है उसका नाम रिपोर्ट सर्वर है, उसको भी वैसा ही रहने दें। उसके अलावा टीसीपी पोर्ट 80 है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है कोई, अगर देखें एडवांस में क्या चीज़ है, एडवांस में सपोर्ट 80 है और इसमें अगर एडिट करते हैं तो क्या है, ये मेरे यू आई एल जो है वो मेरे कंप्यूटर का जो नेम है वो आ रहा है और साथ में रिपोर्ट सर्वर जो रिपोर्ट सर्वर का ये कंप्लीट यू आ रहा है। अच्छा, तो इसको अगर हम ऐड करना चाहें तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि हम इसको लोकल पोस्ट कर देते हैं, ऐसे करते हैं लोकल पोस्ट, आप एडिट भी कर सकते हैं, आप अपना जो कंप्यूटर नेम है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोकल होस्ट लिखना चाहते हैं तो वैसे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ओके भी प्रेस करता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास तो ये दो आ गए, अगर हम इसको बारी बारी रन करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, इसके साथ ही हम ये वाला जो लोको हाउस है इसको भी रन करते हैं। अच्छा, ये टाइम दे रहे ज़्यादा तो हम इसको क्रॉस करते हैं इसको, और ऐसा करते हैं कि दोबारा हम एडवांस में जाते हैं, ये वाला जो हमने क्रिएट किया इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, और जो पहले वाला इसी को डिफॉल्ट जो है उसी को रहने देते हैं इसको भी। तो ये भी इसकी अप्लाई हो रही है, इसके बाद हमने ये चीज़ें अप्लाई हो गई, तो डेटाबेस हम देखते हैं, ये हमारे ये कहता है कि रिपोर्टिंग सर्विसेज फॉर ऑल द रिपोर्ट कंटेंट एंड एप्लीकेशन डेटा इन डेटाबेस create or change the report server database or update database connection।
यहाँ पे हम हमारे जो एसक्यूएल सर्वर का नेम वो ऑफिस है, डेटाबेस का नेम रिपोर्ट सर्वर है, और रिपोर्ट सर्वर मोड वो नेटिव का जो मोड है। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे, क्रिएट अ न्यू सर्वर डेटाबेस। अगर नेक्स्ट करते हैं तो क्या है, एप्लीकेशन का आईडी है, टेस्ट कनेक्शन क्लिक करें आप, नेक्स्ट प्रीवियस ऑप्शन और डेटाबेस, इसका नाम रिपोर्ट सर्वर। अच्छा, इसको आप रहने दें जैसा है, क्योंकि जो कि अपनी डेटाबेस है रिपोर्ट सर्वर की, फिलहाल हम उसका रहने देते हैं। उसके बाद आप और रिपोर्ट सर्वर यूआरएल में जाएं, तो ये रिपोर्ट मैनेजर यूआरएल है। ठीक है, हमारे पास दो तरह की चीज़ें हैं, एक हमारे पास ये वाली थी वेब सर्विस यूआरएल, इसका नाम है रिपोर्ट सर्वर, और दूसरा है रिपोर्ट मैनेजर। ठीक है, जो आइंदा जो लेक्चर होंगे उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि रिपोर्ट सर्वर और रिपोर्ट मैनेजर के अंदर क्या फ़र्क है। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है वो मैं आपको अंदर जो टॉपिक आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, बाकी ईमेल सेटिंग आपने मतलब के ईमेल की कंफिगर करते हैं, लाइक जब रिपोर्ट आप चलाते हैं तो आप सेट उसको कर सकते हैं कि आपको ईमेल हो जाए या किसी, तो ये हम देखेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। एग्जीक्यूशन अकाउंट की भी आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें, तो फिलहाल हम खुद ही काम करें तो इसलिए इसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिपोर्ट मैनेजर तो हम चेक कर लेते हैं। मैं इसे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि इसका आता है, एग्जीक्यूट होता है, कैसे जो आ रहा है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास रिपोर्ट मैनेजर ओपन हो गया। ठीक है, और दोबारा आपको चला कर दिखाता हूँ। ये रिपोर्ट सर्वर रिपोर्ट मैनेजर के इंटरफेस के अंदर तरह की टैब है, न्यूज फोल्डर, न्यूज डेटा सोर्स है, और ये सारी इसके अंदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसी तरह ही अगर मैं रिपोर्ट सर्वर के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये हमारे पास रिपोर्ट सर्वर है। ठीक है, ये उसका इंटरफेस है, तो हमने सक्सेसफुली कंफिगर कर दिया। ठीक है, सब कुछ, और इसका मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, इसको हम एग्जिट एग्जिट किए। ऐसा करता हूँ कि रिपोर्टिंग सर्विस ये इसको आप एक बार देखिए, यह है रिपोर्टिंग सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ठीक है, इसे क्लिक किए और यहाँ पे आपने इस आके अपना सर्वर नेम सेट किया और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद जैसे अकाउंट चलते हैं अपने, ये यूज बिल्ट इन अकाउंट रिपोर्ट सर्वर, ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर लेने। ठीक है, नीचे आपको आपकी क्रेडेंशियल देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वेब सर्विस यूआरएल को हमने देखा है, इसकी एक वर्चुअल डायरेक्टरी, उसका नाम रिपोर्ट सर्वर है। ठीक है, आईपी, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहने में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और यही आपका जो कंप्यूटर का नेम है यही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इसमें जाके, एडवांस में जाके, और इसको भी रिमूव कर दें, या मतलब कि यहाँ पे होस्ट हेडर नेम आप दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लोकल होस्ट, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डिफ़ॉल्ट जो सेटअप है वैसा ही रहने में। डेटाबेस जो है, क्योंकि जो एक तो डेटाबेस हम इसके बाद में कंफिगर करेंगे जहाँ से हम डेटा वगैरह लेंगे सारी चीज़ें, पर एक सर्वर, एक एक डेटाबेस होती है रिपोर्ट सर्वर की डेटाबेस। ठीक है, कि जिसमें हम मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हम देख सकते हैं कि कौन से रिपोर्ट कितना टाइम ले रही है एग्जीक्यूट होने में, और रिपोर्ट्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम ये इसमें सेव होती रहती है। ठीक है, इसमें हमारा डाटा सेव नहीं, तो इसमें सिर्फ रिपोर्टिंग सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है।
इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ से अपने कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, ठीक है, अभी ये वैसे के वैसे ही क्रेडेंशियल यहाँ पे भी सर्विस अकाउंट और एंटी सर्विस रिपोर्ट सर्विस का लॉगिन, मतलब कि हर चीज़ कोई चीज़ चेंज नहीं, चीज़ हर चीज़ यहाँ पे डिफॉल्ट होती है। रिपोर्ट मैनेजर यूआरएल में ये हमने विक्टर डायरेक्टरी का नाम रिपोर्ट है, जो दो चीज़ें आपने याद रखनी है वो ये है कि रिपोर्ट मैनेजर की जो विक्टर डायरेक्टरी का नाम आप रिपोर्ट रखें, ठीक है, तो रखने को आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूज़ हो रही होती है वो जो रिपोर्ट मैनेजर है वो है, उसकी जो विक्टर डायरेक्टरी उसका नाम आपने रिपोर्ट तक रखने, और जो वेब सर्विस यूआरएल है ये हमारा रिपोर्ट सर्वर है, इसके विक्टर डायरेक्टरी का नाम आपने रिपोर्ट सर्वर रखना, ठीक है। उसके बाद ईमेल सेटिंग है, इसकी भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इसको देखेंगे हम जब हमारे लास्ट के जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम इसको देखेंगे, ठीक है। बाकी किसी भी चीज़ को आपने चेंज नहीं करना, ठीक है, बाकी वैसे वैसे रहेगी। और उसके बाद आपने जैसे ही आपने इसके ऊपर आए तो आपने इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है, अगर आपने भी चेंज किया तो, वरना सेम टू सेम उसी तरह इसको कंसीडर कर देना, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसको एक्टिव करता हूँ मैं, और ये हमारा रिपोर्ट मैनेजर है, ठीक है। तो आज कंफिग्रेशन के हवाले से आज का लेक्चर यहीं पे तो हम ख़त्म करते हैं, तो अगले लेक्चर में आपको किसने डेटाबेस को किस तरह कंफिगर करना है उसके बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।